क्या है, उनके परिवार वालों को सम्मान दिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको उधमपुर लिए चलेंगे। उधमपुर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए धान की फसल तो लगाई गई, लेकिन उस बीच में किस तरह से यहां पर सवाल जो है वो बन रहे थे, और पूरी तरह आप देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है। उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग पर धान लगा रही, यहाँ पर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, खस्ताहाल मार्ग की सुध ना लेने पर अनोखा विरोध जताया जा रहा है, और विकास के यहाँ जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही। चले कि उधमपुर जिले के अंदर से किसानों के हवाले से खबर देखने को मिली है, क्योंकि खस्ताहाल मार्ग की सुध ना लेने की वजह से लोगों को काफी परेशानी, और उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग को लेकर ये बात हो रही है कि यहाँ पर अभी तक रास्ता जो खराब था उसे नहीं बनाया गया है, लेकिन इस बीच में आम जनता जो विरोध कर रही है, तो किस तरह से रोड विभाग को यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में आप देखिए जिला उधमपुर के अंदर जो बड़े दावे पेश किए जाते हैं उनमें जमीनी सतह पर कितनी सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं अब खंगालने की जरूरत है कि आला अधिकारी और विभागीय जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या कुछ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार यहाँ पर आप देखिए सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे थे लोग, और बीच में ही आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी देखा गया, लेकिन आम जनता आज सड़कों पर उतरी है, जहां पर खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उधमपुर क्रिमची मानसर सड़क मार्ग पर आज लोग जो है वो धान लगाते हुए नजर आए हैं, और सरकार के दावों की यहाँ हवा निकलती हुई नजर आई है। जो बड़ा दावा पेश किया गया है कि विकास यहां पर हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहां विकास हुआ है, इसी पर जानकारी लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जो एक बड़ा दावा पेश किया जाता है सरकार की तरफ से कि पूरी तरह से विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानियां, क्या कहेंगे? किशोर, चलिए एक बार फिर संपर्क जरूर साधिए, क्योंकि आप देखिए कि जो विकास की राह पर चलने की बात कही गई थी, इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बन रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए आम लोग किस तरह से यहाँ पर धान की फसल लगाते हुए नजर आए, यानी वो विभाग की नींद यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि यहाँ पूर्ण रूप से विकास होगा, लेकिन पूर्ण रूप से विकास कितना हुआ है ये बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से इस पूरी रोड पर खड्डे पड़े हुए हैं, आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बीच में रोड विभाग क्या कुछ काम कर रहा है ये बड़ा सवाल है। किशोर ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। किशोर, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ा दावा पेश किया जाता है लेकिन ग्राउंड पर उतर कर अगर देखा जाए तो कुछ भी सही से अच्छा सा दिख नहीं रहा है, क्या लगता है कि रोड विभाग को किस तरह से काम करने की जरूरत है? बिल्कुल।